नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। दुनिया भर में 4 जनवरी का दिन एक ऐसे शख्स की याद में मनाया जाता है जिसने अपने और दुनिया के तमाम नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए एक नई तकनीक का ईजाद किया, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल को नेत्रहीनों के बीच मसीहा के तौर पर जाना जाता है और साल 1809 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुबरे में पैदा हुए थे लुई ब्रेल। यही वजह है कि उनकी जो ब्रेल लिपि है वे आज भी नेत्रहीनों के लिए एक शिक्षक का काम करती है। नेत्रहीन ब्रेल लिपि की मदद से न केवल पढ़ लिख सकते हैं बल्कि एक दूसरे तक अपनी बात भी ब्रेल लिपि के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ब्रेल लिपि के आविष्कारक ब्रेल लुई नेत्रहीनों के लिए वरदान हैं। उनकी ब्रेल लिपि का आविष्कार कुल मिलाकर नेत्रहीनों की दुनिया में एक महान क्रांति माना गया था और इसीलिए लुई ब्रेल के जन्मदिन पर उन्हें नमन भी सब किया जाता है और यह कहा जाता है कि खुद अपने आप में सिमटी हुई सदी है ये, इन्हें करीब से देखो तो जिंदगी है ये।